हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँ किस तरीके से आप जो है लॉकडाउन में किस तरीके से टाइपिंग का प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हो, टाइपिंग का कोर्स किस तरीके से कर सकते हो, इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसे कहाँ से इंस्टॉल करना है, पेड है या फ्री है। ओके, और किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो और किस तरीके से अपना टाइपिंग का सर्टिफिकेट किस तरीके से ले सकते हो, इसके बारे में पूरा एपिसोड वीडियो में बताऊंगा। पूरा इस वीडियो को देखते रहो, यूट्यूब चैनल पर चैनल को बस सब्सक्राइब, बाद में बेल आइकन को दबाते इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप जो है टाइपिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और किस तरीके से इसे जो है ओपन करना है। ओके, सिंपली अपना ब्राउजर ओपन कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए GCC TVC टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट जो ओपन हो जाएगी, bharat.it.org। ओके, तो इसे ओपन करना है। इस साइट को ओपन करने के बाद वैसे आपको यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। यहाँ पर देख लीजिए इसका डेमो किस तरीके से। ओके ओके, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, वरना मैं आपको दिखाता हूँ इसका आगे का प्रोसेस। ओके, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देख लीजिए इसका अगर प्राइस बोले तो यहाँ पर 250 रुपीज़ को इसका प्राइस है, और अगर आप ट्रायल के वर्जन करना चाहते हो तो यहाँ पर फ्री में है ट्रायल। ओके, तो आप इसे एक बार ट्रायल के लिए फ्री के लिए यूज़ करके देख लीजिए। ओके, और यहाँ पर बाकी प्राइस है 1000 रुपीज़ का, तो वो मल्टीपल PC के लिए। ओके, तो अभी क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। आप इस 250 रुपीज़ का अगर आप लेते हो तो आपको 1 साल के लिए फ्री में मिलता है। ओके, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना नाम और पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कंफर्म पासवर्ड, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट सब फिल करके आपको यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ओके, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको GCC TVC को यहाँ पर QV पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, नीचे देख लीजिए ऊपर साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सिंपली आपको डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ से आपको जो है सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड, यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड कर लीजिए। ओके, आपका जो है यहाँ पर जो विंडोज़ है उसके लिए यहाँ से लेटेस्ट वर्जन का यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, जैसे आप यहाँ से डाउनलोड कंप्लीट करते हो तो आपको क्या करना है, एक और एक यहाँ से काम करना है। वो क्या है, सिंपली आपको एक ऊपर ऑप्शन शो कर रहा है एडवांस पेमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जो है अमाउंट डालनी है 250 रुपीज़। ओके, यहाँ पर अमाउंट बोल रहा है तो हमको 250 रुपीज़ यहाँ पर डालनी है। ओके, तो हम यहाँ पर डाल रहे थे। डालने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर लीजिए इसका पूरा कॉस्ट आ रहा है 263 रुपीज़ कुछ आ रहा है, तो हम यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करके हमारा यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ अपना। और यहाँ पर देख लीजिए मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा है योर ट्रांजेक्शन इस प्रोसेस सील के, यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर रिसिप्ट भी मिल चुका है। बैक टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे बैक टू लॉगिन पे क्लिक करते हो यहाँ से आपको जो है लॉगिन कर लेना है और फिर से आपको जो है यहाँ पर देख लेना है आपको यहाँ पर और एक काम करना है। ओके, सिंपली यहाँ पर मैं क्विक व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है मैनेज यूज़र का, ऊपर साइड में देख लीजिए। ओके, मैनेज यूज़र का ऑप्शन आ रहा है और हमारे वॉलेट में आ चुका है 263 रुपीज़ कुछ आ चुका है। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंगल यूज़र पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन पूछता है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आपको सबमिट पे फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर एस पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे एस पे क्लिक करते हो गाइस अभी यहाँ पर आपका जो है कम्प्लीटली यहाँ पर आपका एक्टिवेट हो चुका है सॉफ्टवेयर। ओके, मतलब कम्प्लीटली इसको परचेस कर चुके। ओके, तो अभी क्या करना है, सिंपली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अभी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। नेस्ट नेस्ट करना है और इसे सिंपली इंस्टॉल करने का प्रोसेस सिंपल ही है। ओके, तो इंस्टॉल कर लीजिए और गाइस इंस्टॉल करते हुए या सॉफ्टवेयर ओपन करते हुए अगर आपको कोई एरर शो करता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है तो। ओके, तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो हम क्लोज करते हैं और सॉफ्टवेयर को अभी हम ओपन करके दिखाते हैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ओके, और ओपन सॉफ्टवेयर ओपन करते समय भी आपको एरर शो करता है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो वहाँ से यूज़र आईडी क्रिएट किया था लॉगिन वो यूज़र आईडी, तो आपको वही यूज़र आईडी यहाँ पर डाल के आपको जो है कंटिन्यू करना है। अभी यहाँ पर मेरा पहले से कर चुका हूँ, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अभी इंग्लिश सेलेक्ट करके आप यहाँ से जो है टाइपिंग कर सकते किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। ओके, और गाइस अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना, तो मैं एक वीडियो बना के आपको पूरा समझा दूंगा किस तरीके से इसमें एग्जाम देना है, किस तरीके से टाइपिंग करना है। आप मुझे कमेंट कीजिए तो मैं बनाऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।